हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम WordPress वेबसाइट के अंदर जो WhatsApp चैट बटन होता है वो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उसका सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने WordPress डैशबोर्ड में लॉगिन होना होगा और यहाँ प्लगइन ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ WhatsApp चैट बटन लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन आ गए। इसमें हमें ये ऑप्शन है क्लिक टू चैट बटन, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। अब हमें इसमें जो WhatsApp के जो नंबर है, जैसे हम इंडिया से रिलेटेड है तो 91 हमारा USD कोड है और यहाँ हम अपने कोई भी अपने नंबर डाल सकते हैं। और सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ आप बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि चैट बटन कलर, उसका साइज़ और साथ ही साथ उसका जो सेटअप है वो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये WhatsApp बटन यहाँ आ गया है नीचे साइड में। आप मोबाइल स्क्रीन में कुछ इस तरह ये शो होगा। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें चैट बटन पर ले जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आप इसमें और बहुत सारे जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि कॉल चैट बटन, SMS बटन, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से आप कोई भी प्लगइन यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना है और इससे संबंधित आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी होस्टिंग बाय करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।